भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के सहयोग से एक ग्लोबल स्टूडेंट सोलर असेंबली कार्यक्रम का आयोजन किया। It's a global platform where we are teaching our children because this is a generation which will further teach other students. They will tell them that yes, one child from each family will learn this. Definitely the impact will be 100 millions. So that is why this initiative, if it is taken in a positive stride, will definitely bring loss. कार्यक्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और ऊर्जा मंत्री आर के सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इतनी बड़ी तादाद में प्रज्वलित सोलर लैंप पूरे स्टेडियम में अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। हम जहाँ अभी हम इनको छोटी छोटी चीजें जैसे सोलर लैंप हम इस चीज में यूज कर रहे हैं, हम क्या पता आगे जाकर सोलर कार्स जैसी चीजों में यूज कर सके और हम अपने ईंधन को बचाकर हम उस अपने शहर को, अपने कंट्री को और अपने वर्ल्ड को पोल्यूट होने से बचा सके। सोलर लैंप असेंबलिंग और प्रज्वलित करने के साथ ही इस कार्यक्रम में एक और विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ। कार्यक्रम में बच्चों को पर्यावरण के प्रति हिंसक न होने की शपथ भी दिलाई गई। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में ये पहली बार हुआ। इस रिकॉर्ड को भी गिनीज बुक में शामिल कर लिया गया है।